नो 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 नो, शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद राहुल। He knows me. फिर भी तेरी इतनी हिम्मत। जब अपने देश की लड़की पराए देश में आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद करनी चाहिए ड्यूड। क्या मतलब? मुझे मारेगा? इससे बात उलझेगी, सुलझेगी नहीं। दो चार मिनट अच्छे से बात करेंगे, सोल्यूशन निकल आएगा। क्यों? तेरे ये भाड़े के टट्टू मरने मारने के लिए तैयार लग रहे हैं, पर सुन ले, सबसे पहले मैं इसकी धुलाई करूंगा, एक पंच मारूंगा और हवा में उड़ते हुए ठीक 5 सेकंड बाद मुक्केबाज गिरेगा। इससे उस हीरो को जोश आ जाएगा, वो मेरी तरफ मुझे मारने आएगा, मैं उसे एक किक मारूंगा और वो उड़ता हुआ जाके दीवार से टकराएगा। अब तेरे पीछे खड़ा ये पहलवान चुप नहीं बैठेगा। इसके डोले अच्छे हैं लेकिन ये बेचारा शायद नहीं जानता कि बॉडी हो ना हो दिमाग होना ज्यादा जरूरी है। बस एक हाथ और ये भी आउट। उसके बाद तेरे बाकी के चमचे बिना दिमाग पर जोर डाले मेरी तरफ बढ़ेंगे मुझे मारने के लिए। तुझे लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बातों का शेर हूं, देखना चाहता है शेर में कितना दम है। ये गई तेरी गाड़ी 12 के भाव में। अब समझा मैं क्या कर सकता हूं? इसी झगड़ा छोड़ो, प्यार को करने लगा। क्या बोलता है? प्यार लो प्यार दो। थैंक्स अ लॉट, आई एम मानसा। हाय, आई एम जय। आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। जाने दो, तुम मुंबई क्यों? नहीं, मैं कोलाड से हूँ, हैदराबाद से थोड़ी दूर है। अच्छा, कोलाड। एनीवे, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ती रहो। गुड नाइट, कीप स्माइलिंग। तुझे उस लड़के से मिलके एक हफ्ता हो चुका है लेकिन तू है कि उसे भूल ही नहीं पाई। तू उसके बारे में ऐसे ही सोचती रहेगी। यू नो अबाउट बॉयज, वो तुझे दोबारा देखेगा ना तो पहचानने से भी इनकार कर देगा। लड़के ऐसे ही होते हैं, भूल जाओ उसे। ये वही है क्या? तुम यहाँ? क्या तुम यही रहती हो? उस रोज रात का वक्त था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। तुमने थैंक्स भी कहा था, राइट? यस, तुमने अपना नाम क्या बताया था? नाम मानसा। मानसा, राइट? हाँ, इसे कहते हैं इत्तेफाक। मेरी बाइक बिल्कुल तुम्हारे घर के सामने आके बंद पड़ती है। फनी, राइट? रियली फनी। वन सेक, डूड। सो व्हाट्स अप? अच्छा, फेंका बाइक तो स्टार्ट हो गई। देखिए, बाइक अचानक स्टार्ट हो गई। अजीब बात है ना? ऐसे में सब कुछ अचानक ही होता है। Hi girls, I'm Jay. पता है तुम्हारा नाम जय है, हम तुम्हें जानते हैं, तुम हो मिस्टर प्यार दो प्यार लो। तुमने इन्हें मेरे बारे में बता दिया ना? That's really cool. कॉफी? जाओ, सिर्फ कॉफी पीना और कुछ नहीं। Come on girls. सही, बाइक भी एकदम ठीक हो गई। Some other time.
जय, लगता है ये अभी तक यही है। हाय 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 गर्ल्स, कॉफी का आइडिया बेकार था, मैं भी ना। डिनर, क्यों ना हम डिनर साथ करें। सॉरी जय, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, रूम भी साफ करना है। Some other time. No time, baby. अरे सुषमा, मैंने तुम्हें इसे वहां रखने के लिए कहा था, इससे पहले कि मानसा आए इसे रख दो। मानसा, इतनी देर से क्यों आई हो? Come on. पूरा घर साफ हो गया, तुम्हारा कमरा भी चकाचक हो गया, जाके फ्रेश हो गया, उसके बाद हम तुम्हारा मनपसंद चाइनीज खाना खाएंगे। सॉरी मनु, साफ सफाई में इसका कोई जवाब नहीं, पूरा घर चमका डाला, इसलिए बदले में मैंने इसे कुछ सीक्रेट्स बता दिए। हाँ, तुम्हें चाइनीज खाना पसंद है, वाइट रंग के पपीज पसंद है और एआर रहमान का म्यूजिक पसंद है। कसम से इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। गेट रेडी मानसा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। मजा आ गया डिनर पे। गुड नाइट, बाय बाय। कल का क्या प्रोग्राम है? कल हम लोग बीच पे जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। अगर तुम चाहो तो तुम भी चल सकती हो। एक्चुअली हाँ, समझ गया। सम अदर टाइम। खैर, मैं सुबह तुम्हारे घर के नीचे से गुजरूंगा। इफ यू वांट टू कम, यू कैन कम सुबह 7 बजे। बाय बाय। मजा आया? नहीं जय, सबसे हसीन पल है। काश ये पल यहीं रुक जाए, ऐसा हो सकता है? ये तो हम पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे ही हाथों में है। नहीं जय, मेरी जिंदगी किसी और के हाथों में है। मेरी फैमिली, मेरा गांव, वहां के लोग बहुत ही अलग हैं। उन्हें सिर्फ खून बहाना आता है, प्यार क्या है, रिश्तों की अहमियत क्या है, उन्हें नहीं पता। यही बड़ी बात है कि उन लोगों ने मुझे पढ़ाई के लिए यहाँ भेजा। ये इज्जत पूरी करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरी कोई और बात मानेंगे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि खुशी क्या है। पर मैं चाह के भी खुश नहीं रह सकती। तो खुश होके जीने में दिक्कत क्या है मनसा? जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी खुश रहूंगी, लेकिन मैं अपनी ये खुशी अपने साथ घर नहीं ले जा सकती हूँ। मैं ऐसे सपने नहीं देखना चाहती जय, जो कभी सच ना हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, इसीलिए मुझसे दोबारा मत मिलना। आजकल लोग इंडिया से फॉरेन पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तुम तो फॉरेन से यहां पढ़ने के लिए आए हो। कहानी बहुत लंबी है सर। एक सवाल ही तो पूछा था एग्जाम में साले, बताने को क्या हुआ? इससे दूर ही रहना, ये एक नंबर का गुंडा है। पिछले हफ्ते इसने मेरी भी बहुत बुराई की थी। अगर अपना भाई फेल हो गया ना, तो भाई तुझे और मारेगा।
ये पूर्णा की शान पट्टी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कॉलेज में हमसे कोई भी नहीं डरेगा। अब तो उसको खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। ए तू एक काम कर, वो जंग लगी तलवार में धार लगा डाल। आज रात 12:56 में वो यमराज से मिलेगा। नारंगी मौसम भी कुछ भी पिला। उसको टपकाने के बाद हम लोग कॉलेज से 4 दिन की छुट्टी लेंगे और फिर... तू कौन है बे? अबे कोई भी होने देना। पूर्णा को मेरे हवाले कर दो, उसे मैं संभाल लूंगा। ए, मैं उसका घुटना तोड़ने आया और तोड़ के जाऊंगा। तू अपनी टांग मत घुसा। नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ गया। एक मिनट रुको, टॉस करते हैं। जो भी टॉस जीतेगा वो पूर्णा की धुलाई करेगा। ए, इधर क्या मैच चालू है जो तू टॉस करेगा? आज पूर्णा का आखिरी दिन है। ए, मोटू पहलवान, ज्यादा गर्मी मत दिखा। चल एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में लड़ते हैं। जो भी जीतेगा वो पूर्णा की धुलाई करेगा। अब जब फैसला हो ही गया है तो मुझे पूर्णा की धुलाई करने दो ना। तुम्हें देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इतनी अच्छी धुलाई करते हो। तुम हमारे साथ दोस्ती कर लो, हम तुम्हारे पचड़े में कभी टांग नहीं अड़ाएंगे। पूर्णा की धुलाई तुम करो, हम चलते हैं। नमस्ते, भूल चूक माफ। हा? ये सिक्का निकाल के जेब में डाल, फोन करने के काम आएगा। अरे डूड्स। जी भाई। कल कहीं पूर्णा को छोड़ के तुम सब मेरे पीछे मत पड़ जाना। इतना टाइम कहाँ है, कल मेरा एंट्रेंस एग्जाम है और मेरे को कुछ भी नहीं आता है। अबे ओए, वो मिट्टी के पहलवान को साथ ले ले और चल।